दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जो जुडिशरी से संबंध रखता है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जजमेंट दिया। 5 जजेज ने एक मत से आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था जम्मू कश्मीर से उसको संवैधानिक ठहराया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक प्रधानमंत्री के द्वारा चयनित मंत्री को रखा गया है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मसले हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। मैं उन जजमेंट और उन इंसिडेंट्स की बात करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि पिछले वीक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नारीमैन ने एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में एक लेक्चर दिया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 370 के जजमेंट के बारे में और गवर्नमेंट के द्वारा बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को रोकने के बारे में अपने विचार प्रकट किए। रोहिंटन नरीमन देश के जाने माने वकील फाली नरीमन के पुत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको 2012 के आसपास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से उठा करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में भाषण देते हुए बोला कि कोर्ट आजकल कुछ अलग तरीके से जो जजमेंट दे रहा है और कोर्ट को कॉशन किया कि आप इस बारे में थोड़ा सतर्क रहिए। नरिमन साहब ने नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री के ऊपर 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर बनी थी को रोकने के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने केरल गवर्नर के उस कार्य को जिसमें उन्होंने लेजिस्लेशन में पास होने वाले कुछ बिल थे उनको रोक लिया था और 370 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था उसमें विचार प्रकट किया। उन्होंने बोला कि इस साल के शुरू में जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगाया गया है और बीबीसी के ऑफिस में जहां पर उनको उनपे इनकम टैक्स की जो रेड हुई है वो गलत है, उनका कहना ये है। ये वो बोल रहे हैं कि इससे पत्रकारिता के ऊपर हमला हो रहा है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोक करके और उनके ऊपर टैक्स पे करके आप जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता के ऊपर आप लगाम लगा रहे हो। इसी तरीके से उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 जो राज्यसभा से पास हुआ था उसके बारे में उन्होंने बोला कि
ये बिल राज्यसभा में जो मूव किया गया है और उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और दो लोग सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे, ये गलत बात है। उन्होंने बोला कि इसमें चीफ जस्टिस को जो हटाया गया है वो गलत है। सवाल ये उठता है कि नारीमान साहब 1947 से जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव हुआ करता था, उस समय कहाँ थे? उस समय इन्होंने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? उस समय सब ठीक चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ ने जब साल के शुरू में एक जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमिटी में घुसेड़ा और ये बोला कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अलग से इसमें कानून बनाए, और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, तब उनको मुर्ची क्यों लग रही है? अब ये बोल रहे हैं कि इससे इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी है वो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने सीबीआई और सीवीसी में जो सिलेक्शन होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहता है, उसी तरीके से जो काम चलता है उसको मानना चाहिए था, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो केरला में गवर्नर ने 23 महीने से कुछ बिल्स को रोक के रखे हैं, उसको वे गैर कानूनी बता रहे हैं। ₹370 को भी ये गलत बता रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि यू नीड दिस बाइफर्केशन टू बाईपास अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 356(5). You bypass it by this ingenious method of making the state into two territories, where you have direct central control and there is no problem as to time. ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर ये आगे बोल रहे हैं, we have no democratic government in the state. वहाँ पे government नहीं थी, सेंटर ने अपना वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, सारी पावर अपने पास में ले ली थी, उसके बाद में वहां पे स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बोल रहे हैं, सॉरी, डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू बाइंड एनी सक्सेसर गवर्नमेंट। सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ही हैज नो अथॉरिटी व्हाट एवर टू बाइंड द लेजिस्लेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी लेजिस्लेटिव एक्ट। फिर आगे बोल रहा है, सो टू से वी डोंट डिसाइड मींस इन इफेक्ट यू हैव डिसाइडेड, यू हैव अलाउड दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट टू गो फॉरवर्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव स्कर्टेड आर्टिकल 356(5). दीज आर ऑल वेरी डिस्टर्बिंग थिंग्स, ये बोल रहे हैं। इसके बाद एक और जज साहब हैं जिनका नाम मदन लोकुर है, वो तो हाथ धोकर के गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। उनका क्या कहना है, मदन लोकुर साहब ने भी 370 के बारे में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और कई बातों में वो ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट बोलते रहते हैं। वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट हैज वो बेसिक प्रिंसिपल जो है फॉर ग्रांट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ बेल वो भूल गया है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जजमेंट दैट नीड्स टू बी रिव्यूड, ऐसा ये बोल रहे हैं मदन लोकुर साहब। ये मदन लोकुर साहब वही जज हैं जो चार जजेज ने दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ थे, मदन लोकुर साहब थे, कुरियन जोसेफ थे, और ये मैं अपना जो चीफ जस्टिस थे पहले वाले रंजन गोगोई, ये लोग थे। जस्टिस लोकुर साहब ने
पार्लियामेंट में जो सस्पेंशन हुआ था उसके बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रोहिंटन नारीमैन, मदन लोकुर जैसे चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद में गवर्नमेंट के ऐसी बकवास कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझिए कि इनकी क्या विचारधारा रही होगी जिस समय ये जल रहे होंगे। इसके अलावा, मतलब नानीमन के अलावा और मदन लोकुर के अलावा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ वरिष्ठ वकील हैं, जिसमें दुष्यंत दवे हैं, प्रशांत भूषण हैं, कपिल सिब्बल हैं और अभिषेक मान सिंघवी हैं, ये भी समय समय पर गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देते रहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, ये लोग आपस में बैठ करके ही जजेज बना लेते हैं, जबकि हम लोग, जनता जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जजेस जज बनने के बाद इस बात को भूल जाते हैं कि भारत का जो संविधान है वो पब्लिक की राय से चलता है, वो 5 या 7 या 9 लोगों की राय से नहीं चलता है, जो अपने आप में स्वयंभू जज बन जाते हैं। अगर तुम्हारे को हिम्मत है नारीमैन साहब को या लोकुर साहब को, तो ये बताइए ना कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, आप जज कैसे बने थे, उसमें क्या पब्लिक की ओपिनियन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चाहे वो सिटिंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, उनके दिमाग में एक भ्रांति है कि वो लोग सुपीरियर कौन है और भारत की जनता जो है बेवकूफ है। वो चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो सब अपने पास में ले लें, वो ये चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट की पावर है उसको अपने पास में ले लें। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, तब से जब कोई भी कानून बना है उसको कोई ना कोई वकील ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ वर्चुअल पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने वर्चुअल पार्लियामेंट बना लिया है और ये सोचते हैं कि हमारे पास पूरा अधिकार है, हम भारत को चला सकते हैं। मेरा चैलेंज है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं उसमें से कोई भी, या हाईकोर्ट के जो जजेज है रिटायर्ड या सर्विंग, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के इलेक्शन लड़के दिखा दें, पंचायत के सरपंच का भी। मुझे पक्का भरोसा है कि ये लोग जीत नहीं सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने कानूनी ज्ञान का दुरुपयोग करके भारत की जनता को बेवकूफ बनाया है और अपने जजमेंट के हिसाब से भारत को टुकड़े टुकड़े होने का काम किया है और करते रहते हैं। पता नहीं कहां से ये लोग पावर लेकर के आते हैं। इनको हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान के विकास के बारे में कभी कोई ध्यान आता है, नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को बुला करके और अपने यहाँ पर भाषण दिलवाते हैं, इसी तरीके से करण थापर के साथ इनके पिताजी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी वो बोले थे 370 का हटाना गलत है। अरे भाई तुम हो कौन? तुमको मालूम है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री की गलती से कश्मीर का एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तुम्हारे यहां से कोई भी एक लड़का, तुम्हारी कोई संतान मिलिट्री में जाकर के कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ती है, तुम्हारे यहाँ का कोई बच्चा जम्मू कश्मीर में या किसी लड़ाई में नहीं मरा होगा। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी जो है एसी के कमरे में शुरू की, वैभव से रहे, प्रॉस्पेरिटी से रहे, और आज की डेट में अपने घटिया विचारों से इस देश की जनता को गुमराह करते रहते हो। और यही लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ये बोलने के लिए कहीं से कोई फंडिंग होती है। मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि चाहे वो रिटायर्ड जज हो
चाहे वो सर्विंग जज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एनजीओ हो या प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो या कोई भी हो, इनके फंडिंग की जांच होनी चाहिए कि ये लोग देश के खिलाफ ऐसी खुराफातें क्यों बोल सकते हैं और तो कैसे बोलते हैं। जर्नलिस्ट तो हैं, वो जर्नलिस्ट लोगों को भी पैसा मिलता होगा जो हमेशा सवेरे से शाम तक में गलत सलत कुछ ना कुछ जनता को भड़काते रहते हैं, YouTube चैनल बना रखे हैं, वहां पे बोलते हैं कि जनता सड़क पे क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों नहीं आती, वैसा क्यों नहीं आती, और ये भी उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। पता नहीं इनको भी कहीं से जांच स्वराज से या कहीं से कोई फंडिंग मिलती होगी, भगवान जाने। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था आप लोगों को बताने के लिए कि हमारे यहाँ के जो पुराने न्यायाधीश थे उन लोगों ने किस तरीके से अपने विचार रखे होंगे और जिस समय वो न्यायाधीश थे उस समय उनके कैसे विचार रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।